तो हेलो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि सीज़न एंड होने वाला है 16 तारीख को, एंड 16 तारीख को एंड होने के बाद आप लोगों को फिर से ग्रैंड मास्टर जाना पड़ेगा या फिर हीरोइक जाना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे जा सकते हो वन डे के पहले, तो इस वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हो तो आप लोग आराम से एक दिन के अंदर आप लोग ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग को लेआउट क्या रखना है, एंड आपको करेक्टर स्किल पैट कैसे लैंडिंग करना है, कौन सी गन यूज़ करना है, आपको कैसे भूजा करना है, सारी स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस वीडियो में बताऊँगा। अगर उससे पहले जिस भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का लाइक है मैं 500 लाइक्स। अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो 500 लाइक कंप्लीट कर देना। एंड उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, बिकॉज हम लोग 15K सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिप नंबर वन की बात की, तो टिप नंबर वन में आप लोग अपना लेआउट क्या रखना है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो जैसे कि हम लोग को रैंक पुश करना है तो हम लोग को बेसिकली सर्वाइव गेम प्ले करना पड़ेगा। एंड गाइस, सर्वाइव गेम प्ले करने के लिए हम लोग को मोस्टली हर एक गेम में 3 किल बेसिकली चाहिए ही, मतलब चाहिए अगर आपको अच्छे खासे प्लस करना है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे इंडिया रीजन में आप लोगों को मतलब टोटली फ्री फायर में यहाँ पे 90% लोग यूज़ करते हैं बाउंटी टोकन। बट आप लोगों का मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि बाउंटी टोकन आप लोग यूज़ करो। आप लोग यहाँ पे रिसप्लाई क्रेट यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है कि आप लोगों को यहाँ से 2 गन लेजेंडरी गन मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ पे, एक शॉर्ट रेंज एक लॉन्ग रेंज। और उसके साथ साथ आपको बेसिक में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को बेसिक में यहाँ पे यूज़ करना है स्कैनर। स्कैनर आपको हेल्प करेगा कि आस पास कहीं आपके बंदे आए हैं फिर नहीं आए, तो आपको ये दोनों चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करके कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। एंड टिप नंबर टू की बात करें तो टिप नंबर टू में आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्किल आपको क्या रखना है। तो कैरेक्टर स्किल में मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डीजे अलोक के साथ पालोमा कैली और हयाटो यूज़ करता हूँ। जिसके पास डीजे अलोक नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा कि आप लोग डीजे अलोक फ्री में कैसे ले सकते हो। तो जरूर से इस वीडियो को देख लेगा तो आपको फ्री में डीजे अलोक मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 90% लोग यहाँ पे यही यूज़ करते हैं डीजे अलोक के साथ, पालोमा के साथ कैली और उसके साथ हयाटो कैरेक्टर यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर आप उसको यूज़ करते हो तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा हीरोइक जाने में। उसके साथ में टिप नंबर थ्री की बात की, तो टिप नंबर थ्री में आपको पेट कौन सा यूज़ करना है, एंड सबसे ज़्यादा पेट कौन यूज़ करते हैं इस मतलब फ्री फायर में सबसे ज़्यादा पेट कौन सा यूज़ होता है। तो आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग यहाँ पे फैल्को पेट यूज़ होता है गरीना फ्री फायर में। हर एक टूर्नामेंट में, हर एक स्पोर्ट टूर्नामेंट में यहाँ पे फैल्को पेट यूज़ होता है। ये आपको लैंडिंग में आप लोग को काफ़ी मदद करने वाला है, इसका स्किल जो काफ़ी मतलब ओपी है, कुछ इस तरह से आपको लैंडिंग मतलब काफ़ी जल्दी आपको लैंडिंग करा देगा। तो ये कहीं काफ़ी ओपी है, यहाँ पे फैल्को पैड आप सभी को लेना चाहिए और ये फैल्को पैड आपको काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पे हीरोइक जाने में। सो पहले टिप नंबर फाइव में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को लैंडिंग कैसे करना है एंड आपको किस जगह उतरना है। तो जैसे कि जैसे यहाँ पे मेरा बरमुंडा मैप आया है, एंड बरमुंडा मैप आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना रिसप्लाई ओपन कर लिया है। एंड रिसप्लाई ओपन करने के बाद ये रिसप्लाई जस्ट मेरे नीचे मतलब शिपयार्ड में आया है। तो यहाँ पे रिसप्लाई के मैं आसपास उतरूंगा और स्कैनर से मेरे को पता चल जाएगा कि आसपास कहीं बंदे तो नहीं है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मेरे सामने एक बंदा दिख रहा है ऊपर, उसको हम लोग इग्नोर करके हम लोग अपने बेसिकली रिसप्लाई पे फोकस करते हैं कि हम लोग रिसप्लाई पे जल्दी से जल्दी लैंडिंग करें। और गाइस, यहाँ पे रिसप्लाई पे लैंडिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे 2 गन आप लोग को शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज गन यहाँ पे चॉइस करना है। तो पहले टिप नंबर सिक्स में यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि टिप नंबर सिक्स में आपको क्या करना है, तो टिप नंबर सिक्स में आपको क्या करना है कि आपके आस पास एनिमी तो नहीं है, ये आप लोगों को चेक करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कैनर में आते टाइम देखा था कि यहाँ पे मेरे आस पास एक एनिमी आया है, तो वो एनिमी को मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ, क्या पता वो एनिमी मेरे पास हो। तो चलो मैं यहाँ पे खोजता हूँ उस एनिमी को, कहीं उस एनिमी का लोकेशन यहाँ पे मैं चलो खोजता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे देखा कि मेरे सामने वो बंदा टावर पे वो एनिमी बैठा हुआ था, और मैं उसको किल करके जल्दी से अपने परमानेंट कवर में आ गया। परमानेंट कवर में आप लोग आ जाते हो तो आपको कोई मार नहीं पाएगा। टिप नंबर सेवन में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक है कि आपको कौन सा गन यहाँ पे यूज़ करना है, एंड कौन सा गन यहाँ पे सभी लोग रैंक पुशिंग के टाइम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा रैंक पुश करते टाइम यहाँ पे कौन सी गन यूज़ होती है। तो उस गन का नाम है M14 के साथ आप लोगों को वो कोर लगाना पड़ता है, एंड उसके साथ आपको यहाँ पे M188 की जो कि 2 बैरल की गन है वो यूज़ करना है आपको। ये कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पे सब बंदे यूज़ करते हैं, एंड आप ही इसको यूज़ करके आराम से ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर सकते हो।
तो मेरे टिप नंबर 8 में आपको यहाँ पे यूज करना है आप लोग अच्छी लूट करने के बाद और एक शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज की गन लेने के बाद आपको यहाँ पे यूज करना है इन्फो बॉक्स। इसके जरिए आप लोग यहाँ पे जोन पहले से आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारा जोन कहाँ पे बनने वाला है एंड जोन बनने के बाद मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे आके सर्वाइव कर पाऊंगा, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो गाइस टिप नंबर 9 में आपको क्या करना है कि टिप नंबर 9 में आपको अपने प्लेसमेंट पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको अपने जो प्लेसमेंट पॉइंट है उसके हिसाब से आप लोगों को प्लस मिलने वाला है। तो आप लोगों को अपने प्लेसमेंट पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको टॉप 10 के अंदर मरना नहीं है, टॉप 10 के बाद ही आप लोगों को फाइट करना है एंड टॉप 10 के पहले आप लोगों को फुल कैंपिंग के साथ आपको गेम खेलना है। अगर आपके पास बंदे आ जाए तो आपको क्या करना है कि पीछे जाके आप लोगों को उस बंदे को किल कर देना है एंड वहाँ पर जाके फिर से अगेन बैठ जाना है। टिप नंबर 10 गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग टॉप 10 में आ जाते हो, अगर आपके पास एक किल हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे मेरे ऑलरेडी 2 किल हो चुके हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा बट मेरे यहाँ पे 2 किल हो चुके हैं, तो मेरे को यहाँ पे और 1 किल चाहिए, तो 1 किल के पीछे मेरे को नहीं रहना है, मेरे को यहाँ पे बुया पे फोकस करना है। यहाँ पे टोटल आपको बुया पे फोकस करना है, मतलब करना है कि आपको छोटे छोटे से कवर लेना है, मतलब आप देख सकते हो जोन काफ़ी छोटा हो चुका है एंड यहाँ पे शायद काफ़ी छोटे छोटे पत्थर वगैरह उसमें जाके आप लोग को कवर करना है कुछ इस तरह से। जैसे कि मेरे सामने एक पत्थर है, उस पत्थर के पीछे जाकर मैं यहाँ पे आराम से प्रॉपर एक कवर ले सकते, ग्लूवल के वजह से आप लोग नहीं जा सकते आप लोगों को पता ही है, तो आप लोगों को एक प्रॉपर कवर चाहिए। मेरे सामने वाले घर में बंदा बैठे उस पर रश नहीं करूँगा, मेरे को यहाँ पे फुल फोकस है, यहाँ पे मेरे को बुया पे खेलना है, यहाँ पे मैं बुया कर लूँगा यहाँ पे, तो मेरे को बुया पे ही खेलना है। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे मैं रश नहीं करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो पहले टिप नंबर 11 में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जोन काफ़ी छोटा हो जाने वाला है एंड जोन में, तो आपको क्या करना है, ग्लूवल का यूज़ करना है एंड ग्लूवल के यूज़ करने के साथ आपके सामने 2 से 3 बंदे होंगे तो आपको ऊपर सिंपली से आप लोगों को 2 गोली से यहाँ पे किल करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको M40 के साथ यहाँ पे 2 बैरल यूज़ करना है और उसके यूज़ करने के बाद हर एक गेम बुया कर सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो का लाइक एवं हमारा कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद है तो आप लोग इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया, ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो खिला के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल, फूल से भरो देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। मैं क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही, हाँ इनमें फर्क नहीं इनका गलत भी सही, तभी तो इनकी अपनों से भी बनती नहीं, रीच 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 इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज, बीट 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 इनको करूंगा बीट, हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी, सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go. एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी।